मैंने उद्धव ठाकरे को रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों का दौरा करने का विचार बताया था। जब शिवसेना संकट में हो तो उसके साथ खड़ा होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। शिवसेना शिवसेना है, शिवसेना को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग उचित निर्णय लेगा। शिंदे गुट का संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। पार्टी नेता और देशद्रोही मेरे खून में नहीं है। आज की बगावत को भाजपा का समर्थन कर रही है। रत्नागिरी विधानसभा क्षेत्र में एक नया उम्मीदवार उभरने के अनंत गीते के बयान पर जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष उदय बने की नाम की चर्चा हो रही है। शिवसेना को आगामी चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार गिर जाएगी। कोकण के सभी 5 विधायक भी गिर जाएंगे, ऐसी प्रतिक्रिया शिवसेना नेता अनंत गीते ने दी है। न शिवसेना खरी खोटी अशी शिवसेनेची वर्गणी किंवा वर्ग शिवसेनेचा वर्ग करता येणार नाही। शिवसेना ही शिवसेना आहे। शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी 19 जून 1967 मुंबईमध्ये शिवसेनेची स्थापना केली। मराठी माणसांच्या हितासाठी आणि हिंदुत्वाच्या रक्षणासाठी हा शिवसेनेचा जन्म झाला। मुळात शिवसेना ही एक संघटना स्थापन झाली, त्यावेळेला संघटना म्हणून तिची स्थापना झाली आणि ती स्थापना करत असताना संघटनेच्या स्थापनेलाच शिवसेना प्रमुखांनी एक धोरण स्वीकारलं जे आजही जगमान्य आहे। 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण, आणि म्हणून 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण ही भूमिका घेऊन शिवसेना या संघटनेची स्थापना झाली। जेव्हा शिवसेना संघटनेची स्थापना झाली त्यावेळेला राजकारण हे शिवसेनेला दुय्यम होतं, प्रथम समाजकारण होतं आणि म्हणून 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण। 20% राजकारण एवढ्या करता की 80% राजकारण यशस्वी करण्याकरता, समाजकारण यशस्वी करण्याकरता 20% राजकारण।